बस परमात्मा इस पंजाब नूं जिवें पिछले 25-30-20 साल असीं संताप हंडाया है उस अग तो बच गए ते कल दे सारे पंजाब दे विच इक बहुत दहशत दा माहौल बनिया पिया। विजिलेंस एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने करके उहदे अधिकार खेत्र च हुंदी आ उस बंदे तों पुछगिछ पड़ताल उस संबंध में अज मैनूं बुलाया गया सी, नोटिस दिता गया सी। वेखो मैं 10 बजे पहुंचा ते हुण 5 बज गए, तुसीं वेख लो किन्ना चिर चली है। जो असीं पुछांगे प्रॉपर्टियां प्रति, कोई तुसीं आपदे स्रोत तों वध प्रॉपर्टियां खरीदियां होण उहदे बारे कहा गया सी। शिकायत हुण इह ऐं तां कोई दस नहीं रहा है, तां इह साजिश ही है किसी की द्वारा। भी वह कहिंदे सी वी तुहानूं द्वारा सद्या जाऊ, परफॉर्मेंस के मुताबिक जो इन्हां नूं लगेगा भी इह सही नहीं गलत नहीं, फिर साडे नाल पुछगिछ कर सकदी है। तुसी जुड़े हो D5 चैनल आ, तो मैं इस टाइम बठिंडा दे विजिलेंस दफ्तर के असी सामने खड़े हुए हैं। पिछले दिनों दे विचों पंजाब सरकार वालों जो भ्रिष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई हुई है उस दे तहत काफ़ी सारे जिहड़े साबका मंत्री है विधायक है उन्हां तों पुछ पड़ताल की जाती रही, कई विरुद्ध परचे भी दर्ज किए गए हैं। इस कड़ी के तहत विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा वालों तुसीं देख पाओगे कि असीं इस टाइम दफ्तर के सामने खड़े हैं साबका मंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दौरान मंत्री रहे हैं साबका गुरप्रीत सिंह कांगड़, अते हुण जो मौजूदा BJP के जनरल सैकटरी भी है जिहड़े पिछले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे उन्होंने अच्छ पुछगिछ लई बुलाया होया। इत्थे विजिलेंस जिहड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो भी सरकार वालों किसी प्रति कोई कंप्लेट हुंदी है किसी किस्म की भी उहदी फिर वेरीफाई करन वास्ते विजिलेंस एक इंडिपेंडेंट बॉडी होण करके उहदे अधिकार खेत्र च हुंदी आ उस बंदे तों पुछगिछ पड़ताल च। उस संबंध में अज मैनूं बुलाया गया सी, नोटिस दिता गया सी, मैं अज विजिलेंस दफ्तर पहुंचा सी। वेखो मैं 10 बजे पहुंचा ते हुण 5 बज गए, तुसीं वेख लो किन्ना चिर चली है। नोटिस दे विच इही सी भी जो असीं पुछांगे प्रॉपर्टियां प्रति, कोई तुसीं आपदे स्रोत तों वध प्रॉपर्टियां खरीदियां होण उहदे बारे कहा गया सी, वो साडे नाल पुछगिछ करदे सी, वह जो उन्होंने मैथों पुछया वो मैं आपदे मुताबक उन्होंने सारा क्लीयर किया। नहीं होर भी दुबारा फिर कहिंदे सी बुलावांगे ते जदों भी वह दुबारा बुला हैं जी। शिकायत हुण इह ऐं तां कोई दस नहीं रहा है, तां इह साजिश ही है किसी की भी जिन्हां ने एडे वड्डियां मतलब बेनामियां चिट्ठियां ले लेके एडे वे दूषण लाने तो इतो साबती होंगे भी कई बार पोलीटिकल बंदे दे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। ब्लेम यही लाए गए हैं होर कोई नहीं, भी तुसी प्रॉपर्टियां कोई बहुत ज़्यादा बनाईया गई सरकार दे विच, वो जो भी प्रॉपर्टियां इन्हां दे सामने इन्होंने साडी रखियां वो साडियां जद्दी प्रॉपर्टियां भी है सारियां आलमोस्ट। दुबारा भी वह कहिंदे सी भी तुहानूं दुबारा सद्या जाऊगा। सानू परफॉर्मा दिता गया सी, वो भर के देवे परफॉर्मेंस के मुताबिक जो इन्हों लगेगा भी ये सही नहीं गलत नहीं, फिर साढ़े पुछगिछ कर सकती है। वेखो गल ये है भी कोई BJP जावे कोई होर जावे इस दे विच कोई गल नहीं, वो सीएम साहब का आपका बयान है। पार्टियां दे विच सारे बंदे आते जाते रहते हैं, मैं कोई इस दे मामले च नहीं सी गया भी मैनू कोई विजिलेंस फड़ूगी नहीं, जे मैं गलत होऊंगा कुछ माड़ा काम करूँगा सज़ा मैनू भी मिलनी चाहिए है। मैं इस गल दे विच बिल्कुल स्पष्ट है, जे मेरे प्रति भी कोई सरकार कोई ना कोई चीज़ गलत साबित करूँगी मैं भी सज़ा नहीं सद्या गया फिर आपकी सख्ती नजिठ सकन, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई तो पहले ही सख्ती करनी है तो बहुत माड़ी गल है। टोटल कुल मिला के आलमोस्ट 3-4 अफसर का ही बिहेवियर माड़ा सी।
नहीं देखो मैं हाँ बिल्कुल नहीं जमानत दे रहा, मैं अपने आप से सच है और ये जी कोई नहीं जा सकती ना सरकार को गलत कोई जाए और मैं सच ते पहरा देवांगे। असी पिछले लंबे समय तो बड़े कारोबार च मेरे फादर रहे हैं, मेरे को बहुत बड़ा कारोबार है, मेरे पुराने आड़त शैलर चलते हैं, बसा मेरे को सी भी मैं आपकी राजनीति दे मेरिया चलिया गई, इस करके मैं कोई ऐसी नहीं की भी मैं कितने राजनीति में आपका घर मतलब नुकसान ही किया। पांच इलेक्शन मैं लड़िया है, 25-30 साल हो गए मैं राजनीति, अज तक मैं पंजाब अपने रामपुरा फूल के हल्के तो किसी आदे वर्कर तो इलेक्शन प्रति रैलियां प्रति एक रुपया भी कितने किसी वर्कर की जेब चो नहीं लिया। मैं कोई मैं अज रामपुरे शहर के कोई भी जोड़े इंडस्ट्रीलिस्ट है या होर भी कह सकन भी इतने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रैलियां कीतिया, मुख्यमंत्रियों ने कीतिया, इतों बंदे भी बाहर रैलियां चले जाते रहे हैं, किसी तो एक रुपये का वजन पाया हो 25 साल मैं देनदार हूँ। मौजूदा हालात जी बहुत माड़े है, बस परमात्मा इस पंजाब नूं जिवें पिछले 25-30-20 साल असी संताप हंडाया है उस अग तो बच गए, पंजाब ये खुशियां ते हरिया भरिया रहे तां ही है। तो कल दे सारे पंजाब दे विच एक बहुत दहशत दा माहौल बनया पिया है, हालात बहुत ही चंगे नहीं नज़र आ रहे। तो करीब 10 बजे तो लैके हुण 3:30 बजे का समा हो चुक्या है, लंबे समय तो जिहड़े सबका मंत्री गुरप्रीत कांगड़ा वो इत्थे विजिलेंस के कोल मौजूद है, गेट देखो तुसीं बंद किया होया हैगा है, किसी नूं विजिलेंस के दफ्तर के जिहड़े मुख्य गेट के अंदर जां बाहर नहीं आउण दित्ता जा रहा है। तो पता लग्गिया कि विजिलेंस वल्लों सबका मंत्री तो जिहड़ी पुछ पड़ताल दे लई काफ़ी सारे सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है, जिस दे विच उहनां दे मंत्री रहण दे समय दौरान जायदाद दे विच जो वाधा होया है, जो सूत्र विजिलेंस से दस रहे हैं कि जायदाद के वाधे को लैके आमदन के जो वसीले सके उन्हों तो कितने ज़्यादा जो जायदाद बनाई गई है उस मामले को लैके पुछ पड़ताल की जा रही है। तो इस संबंध में पिछले कई दिनों तो चर्चा जी चलती आ रही थी कि सबका मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ जल्दी ही विजिलेंस वालों पुछगिछ लिए बुलाया जा सकता, हालांकि इन चर्चावान उत्ते पिछले दिनों विजिलेंस अधिकारियों ने कुछ भी कहने इनकार कर दिता सी, परंतु अज आ जरा पता लगे अचानचक जोड़ा बुलाया होया गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के दरम्यान बिजली और माल मंत्री रहे हैं, काफ़ी चर्चा के बच्चे रहे हैं। तो इन्हों पुछ पड़ताल के दौरान बुलाया गया है, 4.5 घंटे तो करीब जी पुछ पड़ताल की जा रही है। तो खुद जोड़े विजिलेंस के उच्च अधिकारी है इस विजिलेंस भवन के दफ्तर के मौजूद है, जिन्हों वालों पता चले कि एक लंबी जी सवालों की लिस्ट है तैयार की गई है कि जेड़े ज आमदन के जेड़े उन्हों को सोर्सों के राही उन्होंने सूचना कट्ठी की है, जी सूचना कट्ठी की गई है कि ये वसीले किन्ने सके आमदन के उन्होंने, तो जी जायदाद उन्होंने बनाई है इस समय के दौरान वो कितों जो पैसा आया है। हालांकि इस मामले के विजिलेंस अधिकारियों बार बार जो पूछन तो उन्होंने कुछ भी खुलासा करने तो इनकार कर दिता, तो दावा किया कि आने वाले समय के इन्वेस्टिगेशन पूरी होने बाद सारी इस जानकारी की डिटेल जी दी जाऊगी मीडिया के सामने रखी जाऊगी। तो ना ही उधर इस मामले के बड़ी गल है कि गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो सवेरे करीब 10 बजे इतने विजिलेंस दफ्तर के पुजे थे वो पता चले कि वो इस टाइम अंदर अकल ही है, उन्होंने नाल कोई उन्हों का कोई सपोर्टर ज कोई होर शामिल नहीं है। तो उन्होंने सवेरे जो उन्होंने पेड़ सुरक्षा मुलाजम आए थे नाल उन्होंने भी जोड़ा बाहर भेज दिता सू दसना होगा कि केंद्र सरकार वालों जोड़ा गुरप्रीत सिंह कांगड़ BJP के शामिल होने तो बाद 22+ जी सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, सेंटर की केंद्रीय सुरक्षा बल उन्हों को मौजूद है, उन्होंने भी विजिलेंस अधिकारियों ने जोड़ा सा बाहर भेज दिता सगा। तो वो अंदर जोड़े कल गुरप्रीत सिंह कांगड़ा है मौजूद है, पहली है जी विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर बठिंडा वालों पहली है जोड़े किसी बड़े लीडर की पुछ पड़ताल की जा रही है। हालांकि विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले दिन ही एक बठिंडा दिहाती जोड़े आम आदमी पार्टी ने संबंध विधायक सी मित्रत उन्होंने भी गिरफ्तार किया जोड़े इस टाइम जेल के पटियाला जेल के बंद है रिश्वत के मामले के। तो हुण जे देखा जाए तो सरकार बनने तो बाद विजिलेंस ब्यूरो दफ्तर बठिंडा वालों ये दूजा वड्डा केस है जिहड़ा सियासी आगू का किसी का आप जे नाम लैना हो सबका जो प्रभावशाली मंत्री रहे हैं गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिहड़े 2 महकमे प्रभावशाली मंत्री जिहड़े रहे हैं उन्होंने अज्ज पुछ पड़ताल के लिए बुलाया होया। तो हुण देखना होगा कि इस पुछ पड़ताल के दौरान
पुछ पड़ताल के दौरान की जिहड़ा बिजनेस कोल कांगड़ खुलासा करते हैं ते की कुछ जिहड़े बिजनेस वल्लों उन्हां वल्लों सवाल जवाब किए जाते हैं जिस दे नाल आने वाले समय के स्थिति क्लीयर होगी। तो इसलिए सारे जिहड़ा इंतजार किया जा रहा है कि कांगड़ खुद आप के कुछ बयान करते हैं या विजिलेंस अधिकारी इस मामले कोई दसते हैं। फिलहाल इन्नी ही जिहड़ी जानकारी है वो सामने आ रही है। बठिंडा तो डी फाइव चैनल लई सुखजिंदर मान की रिपोर्ट। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।